फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल करते समय अगर आवाज नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन का जो छोटा सा माइक होता है ना, माइक को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, माइक में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण कॉल करते समय आवाज नहीं जाती है। ध्यान रखना है, माइक को हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है, ठीक है। नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब देखिए आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पर टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका आप बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए तरीके आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।